3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, 20 सेकेंड का रेस्ट। पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। वेरी गुड। काफ़ी लोग हैं जो हमारे शिविर में साथ जुड़े हुए हैं, तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं। पास को आओ नम्रता। हाँ नम्रता से, ये कितने, इनको कब 1 महीना हो गया बताइए? मैम आज पूरा 1 महीना हो गया। आज पूरा 1 महीना हो गया। कितने वेट पे आए थे आज भैया? हाँ कितने वेट पे आए थे आप? 99.600। फाइव से ऊपर होता है तो 100 कहते हैं, तो पूरा कितना? 100। और अब आपके सामने, मुझे नहीं पता, मैंने इसका पूरे महीने वजन नहीं देखा। वेट लेके आओ, गुड़िया लेके आओ इनका वजन। पीछे वेइंग स्केल पे ये अपना वजन लेके आ रही है, क्योंकि क्या हुआ, मैंने भी बताया आपको कि पहले 10 दिन 15 दिन बॉडी खुलती है सिर्फ, आप ये भूल जाओ कि आपका वजन कम होगा। क्यों? आपकी आदतों में पहले सुधार आएगा। तो आपके सामने आज ये वजन ले रही है। हाँ कितना वजन है आपका? 93.100। आप ठीक कह रहे हो, आपने देखा है इनका वजन? पास को आओ इधर। हाँ आपने देखा है वजन कितना है? 93.1। 7 किलो वजन इन्होंने। क्लैपिंग इनके लिए, आपके लिए मैम, आपके लिए। देख रहे हो आप? तो मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि ये तो पुराना बच्चा है हमारा, तो इसे पता है कि भाई थोड़ा सा खाने पीने की आदतों में, और एक विश्वास इसने पहले दिन से ही जो चेंज करना शुरू कर दिया। और महीने भर तक सबसे बड़ा विश्वास कि इसने वजन नहीं देखा, क्योंकि इसे पता है कि जो ये खा रही है वो कॉन्फिडेंट है, वो बिल्कुल सही खा रही है। अगर आपके मन में चोर है कि कहा, तो हम बार बार वजन करेंगे, ये पहचान है। बस दिवाली पे जब खाया था तो उसके बाद वेट किया, तभी भी कमाया था, खाने के बाद भी कमाया था। दिवाली में थोड़ा सा खाया था, वो तो सभी को हमने छूट दी थी, लेकिन आप विश्वास कर सकते हैं कि 1 महीने में आपके सामने आज इसने वजन चेक किया, मुझे वो भी नहीं पता कि 7 किलो वजन कहते हैं 7 किलो। तो आप अपनी डाइट शेयर करोगे जरा? मैम जो आपने बताया सर, वही शेयर क्या करना है, आप बोलते गए हम करते गए। एक बार, हाँ माइक कहाँ गया, एक बार सुबह से बता दो अपना रूटीन। हाँ मैम ध्यान से सुन लीजिए, पहले की भी डाइट बताओ। हाँ हाँ पहले की भी डाइट बताओ जरा बुढ़िया, देखो। हाँ कम से कम 8 फुलके। सुनो ध्यान से, पहले 8 फुलके खाती थी। हाँ नाश्ते में 2 पराठे। हाँ दिन को 3 फुलके। ठीक है। और शाम को, रात को 2 फुलके। ठीक है, 8 फुलके। ठीक है। और फुलके के साथ कुछ सब्जी भी होती होगी? और भी 2-2 सब्जियां। ठीक है, अच्छा। फिर आप यहाँ सेंटर में आए? सेंटर में आने के बाद इमीडिएटली नाश्ता और लंच एक ही कर दिया, क्योंकि दूध या तो फिर एप्पल खाने के बाद पेट भर जाता। तो सुबह आप नाश्ते में उठ के चाय लेते हो? चाय नहीं पीती मैं। ठीक है, दूध पीते हो? कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे दूध, उससे पहले कुछ नहीं? उससे पहले कुछ। ठीक है, 10 बजे दूध हो गया, उसमें हो गई हमारी 120 कैलोरीज। आगे बोलो। उसके बाद 12 से 1 के बीच में लंच और नाश्ता एक साथ, जिसमें कि 1 चपाती। देखिए 8 चपाती से घटा के इसने 1 चपाती, और दूसरा जो टिप बताया तो खाने को चबा के खाया। ये सबसे हमारा मेन टिप है, जो खाना खाने में 15 से 20 मिनट कम से कम लगाएगा उसी का वजन जाएगा। अच्छा ठीक है, 20 मिनट्स तक चबाया। फिर राजमा कड़ी, सबको नमस्ते करके दूर कर दी। अच्छा सबको नमस्ते कर दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर क्या खाया उस रोटी के साथ? हरी सब्जियाँ? ग्रीन, जैसे लौकी हो गया, तोरी हो गई, या तो फिर सबसे बढ़िया ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, अरे वाह, चलो भाई हम भी फॉलो करेंगे ग्रीन चटनी को। और बताओ? और थोड़ा सा नमक डाल के फुलका। ठीक है ठीक है ठीक है, ठंडी ठंडी चटनी, ठंडी चटनी। हाँ ठीक है, और बताओ फिर? उसके बाद बीच में थोड़े से नट्स ले लिए, भूख लगी। हाँ नट्स, या तो फिर एक आधा फ्रूट। लगती नहीं थी क्योंकि 4 बजे यहाँ पर आने की प्यास होती थी, तो भूख ही नहीं लगती। देखो ये सबसे बड़ी बात, 4 बजे यहाँ आने की प्यास होती थी। अगर यहाँ तो सेशन में खा पी के डकार मार के बैठ जाते हैं, नहीं ये सेशन नहीं पचाएंगे। पहले जब ज्वाइन किया था तो 11 बजे हम लोग को आदत पड़ी थी, 10:30 बजे। सालों साल यही आदत थी मैम के पास कि इवनिंग बैच अच्छा नहीं होता, हम मॉर्निंग का ज्वाइन करेंगे वही अच्छा होता है। काफी लोगों की मेंटालिटी यही है, लेकिन जब से मैंने 4 बजे का ज्वाइन किया तो एक्सपीरियंस ये है कि हम कुछ गलत खा ही नहीं सकते 4 बजे, क्योंकि डर है कि हमें यहाँ पर आना है। और तुम्हारा पेट की एक एक्सरसाइज कराते ही मुझे पता चल जाएगा कि क्या खा के आए हो तुम। बिल्कुल, मतलब पूरे महीने एक भी गलत डकार नहीं आई। अच्छा उसके बाद शाम की डाइट और बता दो। और 7 बजे के बाद भी मैं दोबारा से जाकर के 1 कप दूध या एप्पल।
फिर शाम को रोटी नहीं, बहुत भूख लगती थी तो बच्चों की थाली में से मेन जो भी मैंने आप सभी को समझाया है कि शाम की डाइट में सिर्फ एक सैंडविच चलेगा या एक स्टफ रोटी चलेगी या एप्पल स्मूदी चलेगी या ऑयल फ्री डाइट चलेगी, राइट? समझ लिया? आपके सामने लाइव एग्जांपल है, सुबह इसकी मम्मी लाइव एग्जांपल है, वो जो हमारी पूनम जी है, पूनम जी वो उनका हमने 2 दिन में 750 ग्राम कर दिया, बिल्कुल नाच रही थी आज पूरे फेसबुक पे और यूट्यूब पे हल्ला मचा दिया, 750 ग्राम चला गया उनका, और इनका 7 किलो। कॉन्फिडेंस जो मम्मी का था वो अलग। आज मेरी मदर मेरी टी शर्ट पहन के यहाँ पर आई थी और बहुत डांस कर रही थी, बहुत डांस उनका आप शेयर करेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अब इसी डाइट को फॉलो करके एक्सरसाइज तो हम सेम कर रहे हैं, तो इनको जो हम मेन एक्सरसाइज करा रहे हैं, पेट का साइज जो कम हुआ है इनका, बिल्कुल यहाँ से यूं मिला हुआ था ये, 7 किलो में काफी पेट का साइज कम हुआ है। तो पेट के लिए जो 2 एक्सरसाइज मैंने रोज बताई है इनको, एक तो 1-2 ये करो, अपर पोर्शन भी कम, हाँ अपर भी काफी कम हुआ है, 7 किलो में काफी कम हुआ है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ आपके साथ, 2 एक्सरसाइज हमें रोज कराई, एक तो 1-2-3-4 वेरी गुड, 5-6-7-8-9-10 दूसरी तरफ से साइड चेंज, 1-2 वेरी गुड, 3-4-5-6-7-8-9 तो ये अभी हमने किया है ये 10-10 बार, इसके 10-10 के 2 सेट करेंगे, लेकिन इसके साथ एक एक्सरसाइज और मिक्स करोगे, 1-2 हल्का हल्का सा यहाँ स्ट्रेच डालते हुए, 3-4-5-6 आगे बढ़ 7-8-9-10 दस बार दूसरी तरफ से, 1 तो ये 2 एक्सरसाइज पेट के साइज को श्रिंक करने के लिए, 4 ठीक है बेली फैट के लिए, 6 वेरी गुड, 8-9 फिर इसको 1 by 1 हल्के से बाउंस के साथ, अगर ताकत है 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 अगर जिन लोगों को सांस चढ़ रहा है तो बीच में 20 सेकंड का रेस्ट ले, अदरवाइज फिर दोबारा ये 1-2 तो इन तीनों एक्सरसाइज को मिलाकर हम 3 सेट करेंगे, 2-3-4 वेरी गुड, 5-6-7 7 किलो के वजन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, जब मुझे ही अच्छा इतना अच्छा लग रहा है तो इनको कितना अच्छा लग रहा होगा, 3-4-5-6-7-8-9-10 फिर 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3 इससे जिन लोगों का पैर में भारी पड़ है, पैर में स्टिफनेस रहती है वो भी दूर होगी, 7-8-9-10 ये हाथ सीधे करो ऐसे, हाँ फिर 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हाथ और पैर दोनों के लिए क्या करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2 ध्यान से समझ लें, पैर को उठाने के थोड़ा भारी भरकम पैर को जितना उठेगा उतना पेट भी दबेगा, तो क्या करना है हमने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके 1-2-3-4-5 और ऊपर हाथ से उठाइए 8-9-10 1 वेरी गुड 3-4-5-6-7 करते रहिए 45 सेकेंड्स 2-3-4-5-6-7-8-1-2-3-4-5-6 भाई जो शिविर में आए हैं न्यू मेंबर्स हैं वो थोड़ा बैठ जाए, सुषमा जी आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, और जिस पे लिखा है ABCD उनका नाम नहीं मुझे पता, ABCD थोड़ा देर बैठ जाए आप, ज्यादा हो जाएगा, जो लोग शिविर में आए हैं जो लोग पुराने हैं वो करते रहेंगे, रिलैक्स गहरा सांस लीजिए, थक जाओगे, फिर इनके स्पेशली आर्म्स फैट के लिए एक और बता दूं क्योंकि सामने भी है किसी ने पूछा था, पहले मेरे को देख लीजिए क्या करेंगे, ये दोनों हाथ हमारे ऐसे हैं, एक पैर के साथ
वन, पूरा पीछे खींचेंगे, फिर वापस टू, थ्री, फोर, फाइव। हाँ, पूरे हाथों को टाइट कीजिए, दोनों हैंड्स को टाइट करते हुए थोड़ा सा साइड से घुमाया इधर को। हाँ, अब कीजिए। टू, वेरी गुड, स्पीड कम, स्पीड कम रखिए। फोर, तो ये पूरा एक्सरसाइज का पैकेज, फाइव, जो आप मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम कर सकते हैं। जैसा कि नम्रता जी ने 7 किलो वजन कम किया है, इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हुए अपनी डाइट में चेंजेस जो भी किए हैं, वन टाइम इन्होंने मील कर दिया, साथ में इवनिंग में दूध और एप्पल या एप्पल स्मूदी ली, तो अगर एक महीने की मेहनत से 7 किलो वजन कम होता है तो हम क्यों ना करें। Five, तो ये इनके आर्म्स फैट के लिए, जो जो इनका फैट लॉस हुआ उसके साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज उनकी टोनिंग के लिए बहुत जरूरी है, इस प्रकार का वर्कआउट। रिलैक्स, 20 सेकंड का रेस्ट। दूसरी चीज, कार्डियो वर्कआउट में हल्का सा बाउंस जरूरी है, तो जिनके पैरों में दर्द है वो तो ऐसे बाउंस के साथ करेंगे, जिनका वजन 80-90 किलो है वो भी आराम से करेंगे, अदरवाइज ये 20-20 के 3 सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से देख लीजिए, दोनों तरीके से कर रहे हैं। नम्रता जी स्लो कर रही है क्योंकि वजन ज्यादा है, ये बच्चा है तो ये फास्ट कर सकता है। वेरी गुड बेटा, आराम से करना, जितने आराम से कर सकते हो। क्योंकि देखो, बड़ों की पैरों में इतनी ताकत नहीं होती क्योंकि अभी भी इनका वजन ज्यादा है, तो अगर आपकी एज 40 प्लस के आसपास है तो आप ऐसे करेंगे, अगर आप 20 प्लस है तो आप ऐसे करेंगे, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। तो ये हमारा कार्डियो वर्कआउट बहुत अच्छी चीज़ है, इसी में एक सेमी जंपिंग की एक और एक्सरसाइज, वेंट्रल डेक्स, दोनों हाथ आगे, जो लोग कर सकते हैं जंप 30 जंप्स, 1, 2, 3, जो लोग जंप कर सकते हैं वो जंप करेंगे, अदरवाइज आप देख रहे हैं। नम्रता जी स्लो कीजिए पहले। हाँ, वेरी गुड, आप करोगे जंप, वेरी गुड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रेस्ट, पूरा रेस्ट लीजिए। जिन्होंने लिखा, आशा जी ने, जो भी YouTube पे देख रहे हैं, आपको एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ेगा, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। मेनोपॉज का टाइम है आपका, 48 इयर्स है, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारा कार्डियो वर्कआउट, फ्रंट जैक्स और साइड जैक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको करेंगे हम पूरा 50 टाइम्स। 3, बॉडी की एनर्जी एकदम चेंज होंगी, देख लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2। हाँ तमन्ना जी, थैंक यू। 4, 5, 6, सर्वाइकल की एक्सरसाइज अभी बता देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, विद इन वीक सर्वाइकल बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन सर्वाइकल ठीक करना है या बैक पेन, पहले बॉडी को वार्म अप करना जरूरी है। तो आप जैसे देख रहे हैं, वार्म अप करने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, देखिए पीछे से एक मिनट इनको देखिए, पूरे हाथ कैसे ऊपर जा रहे हैं, तो सर्वाइकल ये देखिए, ये जो सर्वाइकल की नसें, एक मिनट रुकना, नहीं तो हम मोबाइल जो ऐसे यूज करते हैं तो ये नसें सारी दब जाती है। अब ये देखिए इसमें फिर से, 1, 2, 3, 4, पूरी नसें ठीक होंगी एकदम। अब ये है कि इसके काउंट्स जरा आप अपने हिसाब से, अगर प्राइमरी स्टेज है तो आपको 10 से ज्यादा नहीं करने, धीरे धीरे सेकंड वीक 20 और थर्ड वीक, फिर उसके बाद उसको रेस्ट देने के लिए क्या करेंगे, सर्वाइकल के लिए ऊपर देखिए, योग पे जाना चाहते हैं तो आप करेंगे ये ताड़ासन का स्ट्रेच, दोनों को मिला लीजिए। अगर आप योग पे जाना चाहते हैं, अगर आप कार्डियो पे जाना चाहते हैं तो उसमें होता है सीलिंग सर्कल, सीलिंग की ओर देख के राउंड बनाना है, कैसे, 1, 2, जिससे आपका बैक पेन भी निकलेगा और सर्वाइकल भी ठीक होगा।
तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको योग पसंद है या कार्डियो पसंद है। अगर योग पसंद है तो ताड़ासन आपको हेल्प करेगा। हाँ, इसमें गुड़िया हाथ ना आपके आगे से जा रहे हैं, आपका गर्दन जो है ना बीच में यही रहता है, देख लीजिए एक बार, जैसे आपने ना ऐसे कर दिया, ये है इधर देखो, ये मेरे हाथ सिर नहीं निकलेगा, ये सिर नहीं निकलेगा, तो ये पूरा स्ट्रेच फिर से कीजिए ऐसे। हाँ, थोड़ा आगे हो जाओ, वेरी गुड, फिर से कीजिए एक बार, टू थ्री, ये सिर यहाँ, ये दर्द हो रहा है, फोर, ये स्टिफनेस वो निकल रही है ना, स्टिफनेस में अभी भी ये चीज मेरे को देखो, ये चीज यहाँ, ये चीज ऐसे है मेरी, यहाँ से ये अलग नहीं होगी, ये चीज यहाँ से ये अलग नहीं होगी, यहाँ से फिर ये देखो, अब मेरा सिर, अब मैं ऐसे नहीं करूंगी, जैसे सिर तो मेरा यही रहेगा, यहाँ ऐसे नहीं होगा, ये अब ये मेरा यहाँ से अलग नहीं होगा, ये चीज, अब ये देखिए, अब ठीक है, वेरी गुड, अब ठीक है आपका, बिल्कुल सही है। तो छोटी छोटी सी गलतियां होती है, अगर इनको सही कर लिया जाए सर्वाइकल के लिए, बिल्कुल सही है, बढ़िया। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सन कोणपति, दोनों हाथ ऊपर देखिए, मिलाइए, ये देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से कम 10 times, जिनको भी सर्वाइकल है। मॉर्निंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल था, बिल्कुल सही है, ठीक है, सर्वाइकल में ये चलेगा, राइट। और दूसरा हमारा स्कंद कोण गति भी चल सकता है सर्वाइकल में, देख लीजिए, एक हाथ को ये स्कंद कोण गति के अलावा, ये स्कंद चक्र गति, पीछे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा स्कंद कोण गति दोनों को मिक्स करके कम से कम आप 3 से 4 मिनट करेंगे, फिर से ऊपर हाथ करेंगे, 1, झुक जाएंगे थोड़ा सा और भी, वैसे तो स्कंद कोण गति में ऐसे ही रखते हैं, लेकिन अगर कमर की साइड की चर्बी है तो 1 2 3, बिल्कुल बीच से झुकेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। देखो अब जो नए मेंबर्स हैं वो बिल्कुल बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट, पहले बैठो, लेकिन एक हम चैलेंज जरूर देंगे, ठीक है, सारे लोग नहीं करेंगे, पहले आप मेरे को देखेंगे, राइट, उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे हम करते हैं वॉक डाउन, आराम से ढीला छोड़ा, कमर को ढीला छोड़ा, अगर गर्दन में दर्द है या घुटने में दर्द है थोड़ा झुका लेंगे, फिर हाथ रखेंगे, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सीधा आकर, फिर 1 2, सभी के लिए नहीं है, 3 4 4 times करने के बाद फ्री स्टाइल स्ट्रेच में, 1 2, क्या पेट पे स्ट्रेच आ रहा है, क्या हिप्स पे, 4 5 and down, तो ये पूरा एक सेट है, करोगे पक्का, पैर में दर्द तो नहीं है, ठीक है, इस वाले पे आओ, मजा आ जाएगा। देखो जो नए मेंबर हैं उनको बिल्कुल परमिशन नहीं है, जिनका शिविर है वो सिर्फ देख सकते हैं, बैक पेन में बिल्कुल अलाउ नहीं है ये एक्सरसाइज, अभी रुक जाइए, हाँ इसको ध्यान से देखिए, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, हाँ बताती हूँ, पहले दोनों हाथ ऊपर, धीरे से सांस को बाहर निकालिए और पेट के हाथ नीचे झुकिए, पेट की चर्बी को कम करना है, घुटने मोड़िए थोड़ा, देखिए बस, रोके रहो, चलिए आगे 5 steps, वेरी गुड, रोके रहिए यहाँ 5 seconds, 1 2
थ्री फोर फाइव बैलेंस रखते हो, एक हाथ आगे, वन वेरी गुड, टू थ्री फोर, हाथ में झटका ना आ जाए नम्रता, फाइव, और उसके बाद फिर से फ्री स्टाइल स्ट्रेच, पैरों को आगे पीछे, वन टू वेरी गुड, हिप्स को ऊपर नीचे जाने के बजाय पीछे ले जाओ, ये है स्ट्रेच, थ्री फोर फाइव सिक्स, और घुटने टिकाइए, हेड डाउन, पीछे जाइए, नो, वज्रासन में बैठिए, बस ये है पूरा कंप्लीट एक सेट। इससे आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी, पंजों की स्टिफनेस, एक बार एक राउंड फिर से करें, खड़े हो जाइए, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, घुटने को झुकाइए पहले, बस रोके रहिए, फाइव फोर थ्री टू वन, आगे बढ़िए, वन टू थ्री फोर फाइव, एक हाथ को आगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फ्री स्टाइल आगे चलिए, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वज्रासन में बैठ जाइए, रिलैक्स, हेड डाउन, ग्लोइंग स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन भी तभी होगी जब पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के बाद ब्लड फ्लो को महसूस करेंगे। तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं अपनी क्षमता अनुसार जिनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर इस पैकेज को आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमने डायरेक्ट अपलोड कर दिया है, 20 मिनट का इसकी प्रैक्टिस, दो राउंड करेंगे तो 40 मिनट का आपका वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट, तब तक देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, अंतस योग, अब सीधे लेट जाओ बस।